है। नहीं उधर ही है, उधर ही है। नहीं नहीं ऐश्वर्या वाले दा नहीं है, गुलबर्ग वाले दा। केड़ा भला है भला इधर वाला? नहीं नहीं नक्शा लाने प्रॉपर्टी पटवारी ने बुला लेने हैं। उस दिन नशेई नशा बेचण दे ने कोई पाउडर पेंट दे ने कोई कुछ है साडा वो एरिया नहीं हैगा। ठीक है वो एरिया हैगा गार्डन टाउन दा। ओ यार तुसी रुक जाओ, ऐ देखो जुड़े हाथ जे रुक जाओ, रुक जाओ मदद कर दियो किसी दी, आ जाओ रुक जाओ। मेनू भी डर ते बड़ा अफसोस है, मैं सुपर कर के सीसी ऑफिस तक चला गया। चला जा यार, यार नाम ना। नहीं नींद आती मुझे सारी रात इन लोगों को देखने के बाद। ओ खुदा का नाम है तरस खाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल की जानिब से मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में इस वक्त वादत रोड के आस पास कहीं मौजूद हूँ। एग्जैक्ट जगह का इसलिए नहीं बता सकता कि मुखबरी हो जाती है। यहाँ पे फिर मंशियात फरोशों ने अपने अड्डे जमा रखे हैं और आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म का रूट भी लगा हुआ है। मुमकिन है कि यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज गुजरें। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुजरना है तो उन मंशियात फरोशों को आगे फेंक दिया गया है और इस वक्त वो नशा धड़ाधड़ बेच भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का रूट यहाँ पे लगा है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने गुजरना है। हम 15 पे कॉल करेंगे, आप टाइम नोट कर लीजिएगा। जब तक वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं गुजर जाएंगे यहाँ पे कोई पुलिस का एक बंदा भी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो कहेगा ये गार्डन टाउन का इलाका है, मेरा इछरे का है, या वो कहेगा ये इछरे का इलाका है, मैं गार्डन टाउन का हूँ। ये एक नया रफ्फड़ चलता रहेगा। हम इसे कुछ घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे खेल खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको राह रास्त पर लाएं या इनको गिरफ्त में लेके आएं या इनको पाबंदे सलासल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुस्लिम टाउन से बात कर रहा हूं, यासर शमून मेरा नाम है, उर्दू वायरल टीवी का मैं एंकर हूं। यहां पे इस वक्त नजायज़ फरोशों का एक हड़ लगा हुआ है, पीने वालों का भी और नजायज़ फरोशों का भी। मुझे ये बताएं कि क्या आप भेज रहे हैं गाड़ी? वो तो रब्ता करते हैं लेकिन वो नया रफ्फा डाल देंगे, नहीं मैं गार्डन टोन की तरफ वाला हूँ, नहीं मैं इचरे वाला हूँ, कोई ऐसा भेजिए। बड़ी मेहरबानी करें सर, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी यहाँ से गुजरने वाले हैं, शफकत करें। आपका मैंने टाइम नोट कर लिया, कितनी देर तक आ जाएगा पुलिस वाले का फोन? मेहरबानी करें सर, मेहरबानी करें, थैंक यू। नाज़रीन हमने कॉल तो की है और टाइम हो गया है 2:12, आप देखिएगा ये तमाशा लगे रहेगा, पुलिस आएगी नहीं। भाइयन ये मुस्लिम टोन पे खड़े हैं, अभी यासर शमून के नाम से एक कंप्लेन दर्ज कराई है, कोई किसी पुलिस वाले का फ़ोन नहीं आया। उनको दोबारा मैसेज दे दें, उनको कह रहा तब करेंगे जब ये भाग जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कहते हैं मैसेज दे दिए, दोबारा मैसेज दे देता हूँ। ये खेल चलता रहेगा एक घंटा, हम भी खेलेंगे, बेफिक्र रहे, छोड़ेंगे तो नहीं। हेलो भाईजान, अभी तक नहीं आई आपकी पुलिस, कब तक आ जाएगी? जब तक वो भाग जाएंगे, बंद कर दिया। ये देखें आ रही है आपकी पुलिस, आ रही है आपकी पुलिस। ये नखट्टू किस्म के सिर्फ खाने के पेटू हैं, खाते हैं सिर्फ, कुछ नहीं आते नहीं है। नाज़रीन ये नाकाम ना काज के दुश्मन अनाज के, ये पंजाब पुलिस के वो जवान हैं जिन्होंने आगे अभी रफ्फा डाल देना है। और नहीं जी नहीं, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, मैं तो इधर आ ही नहीं सकता, उधर जा ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम 2:12 पे फ़ोन किया था, 2:25 हो गए, अभी किसी पुलिस वाले का फ़ोन नहीं आया। अभी आ जाता थोड़ी देर में। क्या मसला क्या है, इतनी सुस्त कैसे होगी 15? ये तो कोई बात नहीं, डॉल्फिन वालों को भेज दें, पीरू वालों को भेज दें, इतने लोग हैं। देख लें कितनी देर हो गई है, मेहरबानी फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, ये तो कोई बात नहीं। ओके देख लिया नाज़रीन आपने, अब कहते हैं कि पंजाब पुलिस को कुछ ना कहें, उनके बारे में कोई बात ना करें। मुझे समझ नहीं लगती कैसे बात ना करें, क्या करें? ये जो CSP अफसर अपने दफ्तरों से निकल के ये काम तो नहीं कर सकते, ये तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और फिर ASI,
और इस तरह के लोगों ने करना है। ये कहाँ बिजी होते हैं, दिहाड़ियाँ लगाने के लिए चाय के होटलों में बैठे होते हैं, अभी पता चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए। ओ भाईजान, यहाँ पे पुलिस, उन्होंने हमारे गिर्द घेरा तंग कर दिया है, कटर ले लेके हमारे सामने से गुजर रहे हैं। जब हमें एक आधे को फेर देंगे तो तब आएंगे। पुलिस को बता दिया, आ रही है पुलिस, परेशान ना हो। पुलिस तो आधे घंटे से आ रही है। हाँ जी, आ रही है पुलिस। कब तक आ जाएगी भाई? हमने पुलिस को आपका मसला बता दिया। कौन सी पुलिस को कहा है? वो यहाँ पे आके गार्डन टोन का ना रोला डाल दे कि ये इकबाल टोन के हम गार्डन टोन नहीं जाएंगे, नहर के इस तरफ है ये गार्डन टोन लगता है। इचरा थाना नहीं है, हम इस वक्त मुस्लिम टोन पे खड़े हैं। मुस्लिम टोन को दूसरी तरफ इकबाल टोन लगता है, इस तरफ को गार्डन टोन लगता है। ये गार्डन टोन का एरिया है, ये गार्डन टोन का एरिया है। मेहरबानी फरमाई, अब इसमें भी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा। यार जोन सी भी पुलिस भी है, उसका फर्ज नहीं है यहाँ पे काम करना? और यार एक दरमियान में नहर ही है ना, क्या हो गया? क्या मसला बनता है? इकबाल टोन वाले पकड़ के गार्डन टोन दे दें? जब पीओ जब आप लोग पीओ पकड़ते हैं तब भी तो इधर उधर देते हैं। मेहरबानी करें, पुलिस भेज दें, इससे पहले कि हम मारे जाएं पुलिस भेज दें। वास्ता अल्लाह की जात का भेज दें। अब तो माफियों पे आ गए हैं नाज़रीन, सोटी निकाल ली है क्योंकि इर्द गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है। अपना तफज भी तो करना है, हम ये सोटी को किसी को मारने के लिए तो नहीं रखी हुई, हमने तो अपने बचाव के लिए रखी हुई है। जाहिर है जो हमें को मारेगा तो हम सेल्फ डिफेंस तो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आ जाओ सर, अल्लाह ना आ जाए, इतने बड़ा नशा ही है, बहुत ज़्यादा पाउडर बेचने वाले ने। सर है बिल्कुल, असी मुस्लिम टोन खड़े हैं नहर के आस पास, एक तो वो इकबाल टोन वाले पास लगता है, इस साइड किधर लगता है? है बिल्कुल इधर, इस तरफ है जोड़ा है अपना की ना है, उधर अरेबियन डिलाइट्स वाले पास नहीं है, इस तरफ दूजे पास है। कितनी की देर जा रहे हो? मुझे तो ये भी 5-10 मिनट लगेंगे सर, मैं 2:12 की थी। की ना है अपना? कासम भाई बंदे फड़ने ने चढ़ने नहीं। आओ सर, मैं वेट कर रहा हूँ, पुल दो तक लोग आ जाओ, गड्डी साइड से करके लाना, नशियाँ नजर ना आवे। ओके नाज़रीन, वो कहते हैं कॉल ही अभी मिली है मुझे, उतनी देर पहले लुकन मीटिंग चल रही थी इनके दरमियान। हाँ मैंने फड़ लिया, ये चल रहा था, अभी आप देखें क्या होता। नाज़रीन अल्लाह करे कि पुलिस आ जाए, अभी कासम साहब का फ़ोन आया था, उनको भी 8-10 मिनट हो गए हैं, वो कहते 10-15 मिनट लगेंगे, ये सारी कॉल्स हम प्रोग्राम में चलाएंगे। सना आई हुई है इस वक्त लोरी की बुढ़ी, और पोटर सरेआम बेच रही है, और वही हमारा टारगेट है। तो कोशिश है कि हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएं, क्योंकि ये वो औरत है जिसने लोगों को यहाँ पर बैठ के मारफी के इंजेक्शन लगाए हैं ताकि वो नशे के आदी हो जाए और उसकी गाहकी बढ़ जाए। आज कोशिश है ये अल्लाह करे कि लगे हुए हैं, वैसे तो वो भी तिंगड़ के खड़े हैं सारे वहाँ पर, उम्मीद बहुत है कि हम किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। इछरे तो जड़ी इधर सड़क नहीं आती कज़ाफ़ी वाले पास, और ये बिल्कुल दूसरी सड़क पे खड़े हैं। कीड़ा इलाका गुलबर्ग का इलाका है? और भाइय ने इधर दिया की हो गया हूँ, नवा रौला बन गया कि गुलबर्ग का इलाका? बिल्कुल है, तुम इधर मुस्लिम टोन पहुंचो तो सही, इधर जाओ मुस्लिम टोन। कड़ी जगह खड़े हो? मुस्लिम टोन मोड़ दे, जरा घूम के इधर आओ ना, इधर आओ। की जगह का ना है यार? इधर है, इधर है जरा रस्ता, इधर अपना जरा कज़ाफ़ी स्टेडियम तो इसी वाले पास जा रहे हैं, यदि बन्नी तो बैठे हैं अभी नहर दी। यार असी सड़क के उत्ते खड़े हैं, जिते वार्डन खड़े ने वार्डन को आ जाओ, अल्लाह का नाम। जिते वार्डन की चौकी बनी दी निकी जी ने, मैं फोन तो ही हूँ, फोन तो ही हूँ।
नाज़रीन अल्लाह करे कि अब ये चल पड़े, क्योंकि इनकी भी अपनी बड़ी पेचीदगी है, इनके भी अपने बड़े मसले हैं, लेकिन दलेर पुलिस अफसर लग रहा है, मुझे उम्मीद है चल पड़ेगा, अल्लाह खैर करे। कितने हो दफ्तर बोर्ड लगा था है डबल दफ्तर दे दफ्तर दे हाँ है आ गई गड्डी ले आओ इधर ले आओ है सामने छड़ दो लाके लूके हूँ छड़ दो इधर तेरी तेरा मैं बेटा घर का नमक लो जा बड़ा बहानेबाज पुलिस अफसर है तेरे इलाके नहीं मुकदे बीमार है ये भी मैं ठीक से यू हो गई चल आ दौड़ के दिखा मन आ दौड़ के इधर आना और खलो दे सही ये देखे पुलिस हमारी का हाल देखे निजामे इंसाफ को चपेड़े मारते हुए जा रहे हैं ये वो सालम और सफाक लोग हैं जो महीने के महीने 80,000 रुपए की तनख्वाह लेते हैं हमारे टैक्सेस में से और ऐसे बगोड़ों की तरह भाग जाते हैं। ये गुलबर्ग का इलाका है और इलाका गुलबर्ग था पुलिस से तो लाहौर दिए और यार तुसी रुक जाओ देखो जुड़े हाथी जी रुक जाओ मदद कर दियो किसी की आ जाओ रुक जाओ तुम वास्ता अल्लाह तला नहीं जाता ये हमारी पुलिस का हाल है। बाद में मुझे सारे कहते हैं PRO फोन कर करके तेनू नहीं शमून चैन तेनू नहीं शमून चैन तू नहीं बाज आंदा मुझे दसो ये बाज आंदे ने केड़े पासे जावा मैं इतने गंद घुलदा पे लोगों दी नस्लां तबाह हो रही ने खुद चढ़ चढ़ जावा इन्हों चित्र खावा इन्होंने कोलों आप इन्होंने कोलों प्लेट खा लवा नहीं नींद आती मुझे सारी रात इन लोगों को देखने के बाद ओ खुदा का नाम है तरस खाओ कोई तो आ जाए कोई तो रहम करे चल गुलबर्ग की फोन पुलिस को फोन करते हैं गुलबर्ग हेलो हेलो भैया नाम ने कासम साहब को भेजा ना जिनको वो तो चलने फिरने से भी आवाज़ आ रहे हैं बीमार भी वो बहुत ज़्यादा है वो कहते हैं मैं चल ही नहीं सकता ऊपर से वो आगे भाग गए कहते हैं मैं गुलबर्ग के इलाके में नहीं जा सकता ये गुलबर्ग का इलाका है वो तरस खाओ अल्लाह ना ना जे ओए साड़ी पुलिस हो तुसी ये गुलबर्ग का इलाका है उसे इसने बुलाया पहले भी एक दफे बुलाया था वो तब भी कह रहा था ये गुलबर्ग का इलाका है वो क्या करे वो इतने बेबस हैं हम इतने माड़े लोग हैं यार हम शिकायत कर दे सर किसको शिकायत कर दूं नंबर पे शिकायत करें 1787 पे कोई माड़े लोग नहीं हैं चले मैं 1787 पे फोन करके शिकायत करता हूँ आप तो गुलबर्ग के पुलिस भेज दे मैं भेज रहा हूँ उनको आ जा सजना ना जा सजना तू जीती हो मैं हारी आ जा बच्चे लोगों ने तबाह होंडे नहीं है ये हाल है पिट पिट के मार गए हम लेकिन मैं तुम छोड़ना तो नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को ये मेरा तुमसे बात अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम टाउन पे खड़ा हूँ एक सहाफ़ी हूँ और उर्दू वायरल टेलीविजन से हूँ नशे में मुब्तला अफराद के खिलाफ और जो नशा बेचते हैं उनके ख़िलाफ़ एक छोटा सा क्रैकडाउन करता हूँ 15 पे 25 दफ़े कॉल किया तो एक पुलिस अफसर आ गया गाड़ी लेके तो वो कहता है ये मेरा इलाका नहीं है मैं इछरे का हूँ और ये गुलबर्ग का इलाका है ओह जलील करके रख दिया है और वो दंदनाते फिर रहे हैं बेच रहे हैं सरे आम लोगों की नगों में हाँ जी किसका आईडी कार्ड नंबर भी बताऊँ अब लो आईडी कार्ड नंबर अब मैं जेब से निकालते निकालते आपने हमने प्लेट मरवाना सड़क पे आईडी कार्ड कोई खुदा का खौफ नहीं है अल्लाह की कसम कोई खुदा का खौफ नहीं है मेरी बहन यासर शमून खान मेरा नाम है गूगल के ऊपर सर्च करें को करोड़ प्रोग्राम है मेरे पड़े हुए
ये मैंने आई जी की कंप्लेंट सेल में भी एक दरख्वास्त दे दी है, अब देखिए क्या होता है। नहीं आनी पुलिस, वो वहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं, नहीं आनी, बल्कि वहाँ से भाग के वो निकल रहे हैं, उनका काम हो चुका हुआ है। वो देखिए वो लोहरी की बीवी सना सरेआम बेच रही है। सलाम अलैकुम भैया, आईजी ऑफिस में भी कंप्लेन कर दी है, गुलबर्ग की पुलिस भेज दें, अल्लाह का नाम है, हर लगा हुआ है यहाँ पे भेजने वालों का मुस्तफ तौर में। एक इछरे वाला आया था, वो यहाँ पे आके गाड़ी में आके कहता है मैं इछरे की पुलिस का हूँ और मैंने नहीं जाना वहाँ। वो कहता है ये गुलबर्ग का इलाका है। मेहरबानी उनको के 1122 के ऑफिस के बिल्कुल पुल के नीचे खड़े हैं ये, और मेहरबानी करें वहाँ पहुँच गया जहाँ पे वार्डन खड़े हैं। घंटा हो गया इस एक्सरसाइज को, घंटा हो गया। ओके हेलो। ओ यार खुदा का नाम है, मैं अपनी आंखों से जुर्म होते हुए देख रहा हूँ, एक शहरी होने के नाते, एक एंकर होने के नाते, एक साफी होने के नाते, एक लोअर प्रेस क्लब के मेंबर होने के नाते फर्ज समझ बैठा हूँ आप लोगों को मुतला करना। नहीं पहुंची आगे, इछरे की पहुंच गई थी, वो कहते इधर इधर आके कहता है नहीं 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 मैं नहीं उधर जा सकता, मैनू डर लगता है। आप गुलबर्ग ही भेज दें। अस्सलाम वालेकुम बहन, मैं मुस्लिम टाउन मोड़ पे खड़ा हूँ, आगे इछरे की पुलिस आपने भेज दी थी, वो कहता है मुझे डर लगता है, मैं इन्हें नहीं जाना वहाँ पर, वो भाग गए। ये जान नशेई खड़े हैं और जहाँ मंशियात फरोश खड़े हैं, और अब अल्लाह का नाम है वो कह रहे हैं ये गुलबर्ग का इलाका है, चले गुलबर्ग ही भेज दे। ये तो सारे ही कह रहे हैं बार बार मैं भजवा रहा हूँ। कितनी देर में आ जाएगी पुलिस? मैं आपसे लोकेशन बता रही हूँ, समझ आ रही है आपको बात? हाँ बताएं। आप बताएं लोकेशन। मैं लोकेशन इस वक्त बता रहा हूँ 1122 के ऑफिस के दरमियान में पुल के नीचे खड़ा हूँ मुस्लिम दौर। मेहरबानी फरमा दें, आप अंदाजा करें नाजरें, ये हम सहाफ़ी लोग हैं, हमारा ये हाल है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? कोई कंट्रोल है नहीं, पुलिसिंग निज़ाम, लोगों को हम सलूट करेंगे, प्यार करेंगे, बदमाशों को हम शहर में रहने नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यार बस करो बस करो, नहीं होना तड़े को। हेलो हेलो जी, हेलो बोले, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी आपकी आवाज़ आ रही है भाई, 2:12 पे पहली कॉल की थी। आगे आगे आ गया पुलिस वाले का फोन, आ गया रुकने का। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ की है आपने वालों भाई? हाँ जी बड़ी देर से की हुई है। कितनी देर हो गई? ये 1122 का दफ्तर है ना, उसके पुल के नीचे खड़े हैं हम। अच्छा तो आप कहाँ पे हैं? मामला आपको उन्होंने बताया नहीं है कि यहाँ पे नशा बिक रहा है सरेआम, नशियों की एक तादाद खड़ी है यहाँ पे। हम जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने इन्फॉर्म किया पुलिस को ताकि उसकी मदद कर सकें। तो फिर क्या करें? कितनी देर तक आ रहे हैं? हेलो, शफकत कर दें सर, बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो निकल जाएंगे। हम 2:12 पे पहली कॉल की थी हमने 15 पे। आप यकीन करें कि अब टाइम देखें 3 बज गए। अच्छा आगे गाड़ी गाड़ी पे आ रहे हैं ना? चले बिस्मिल्लाह, आए आए, ये बिल्कुल जहाँ वार्डन खड़े हैं ना सब सारे 1122 के साथ ही पुल के नीचे, हम उसी के सामने बैठे हैं। उसको पहले वो आ गया, उधर ही है
नहीं नहीं ऐश्वर्य वाले का नहीं है, गुलबर्ग वाले का। केड़ा भला ए भला इधर वाला? नहीं नहीं साडे नहीं है। मुर्शिद फिर किस तरह फैसला होगा? साडा है, साडा है वे मुर्शिद। नक्शा लेने प्रॉपर्टी पटवारी नु बुला लेने हैं, पटवारी बुला लेने हैं, पटवारी बुला लेने और फैसला करा लेने। नहीं करना की जसो होना उस दिन नशा ही नशा बेचण दे ने कोई पाउडर पीन दे ने को कुछ उधर कह रहे पुलिस से साडे शहर दी है ना उधर कह रहे हो ना। आओ बैठो आओ मेरा एरिया है ना। ਉਰਸ਼ਦ ਮਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਾਹਦਾ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਿਆਦ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ 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 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਪਕੜਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਲ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਿਕੰਦਰ ਫਰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਚੌਕੀ ਐਫਸੀ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਚੌਕੀ ਐਫਸੀ, ਚੌਕੀ ਐਫਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਫਰਮ ਚੌਕੀ ਐਫਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਾਲ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਏਗਾ ਬਜ਼ਾ ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ। ਹੈਲੋ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੌੜ ਗਈ ਜੇ, ਜਾਓ ਜਾਓ ਟਾਟਾ ਟਾਟਾ ਟਾਟਾ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦਿਨ ਕਿਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾ ਹੈ, ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਇਨਕਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਰਹਾ। ਹੈਲੋ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਇਲਾਕਾ। यही मैंने आपको दिखाना था, आज मैंने आपको यही दिखाना था, हमारे पुलिस की कारकर्दगी को चेक करेंगे। देखें हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, यासर शमूनी बात कर रहा हूँ। वो पुलिस वाला आया था चौकी एफसी से, पहले इछरे से आया था, वो कह रहा है मेरा इलाका नहीं। अब चौकी एफसी से फरियाद नामी सब इंस्पेक्टर आए थे, वो कह रहे हैं मेरा इलाका नहीं। ओ किसका इलाका है ये? इलाका गैर तो नहीं है? ओ ये कह रहा है नहीं मेरा इलाका नहीं है, किसका? को पटवारी भी साथ भेज दे ताकि तय कर ले किसका इलाका है। मेहरबानी करें, तमाशा बन गया हमारा, तमस्कर बन गया, के सामने दंदनाते फिर रहे हैं नजायज फरोश, और हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। इतना दलेर, इतना लंबा जोड़ा, 6 फुट का पुलिस अफसर भाग गया। आपने देखा नाजरीन, मैं कोई मसरूई खेल खेल रहा हूँ? ये कुछ स्क्रिप्टेड है, ये सारा कुछ तो आपके सामने है। आम आदमी को कितनी मुश्किल पेश आती होगी, हालांकि मेरे अपने मरासम हैं, मैं अभी एसपी को फ़ोन करूं, पुलिस ही पुलिस आ जाएगी, लेकिन मैं क्यों अपने मरासम यूज़ करूं? ये तो काम अवाम का, इनको खुद करना चाहिए। मैंने उसको कहा कॉल कर दो, वो कहता मैं नहीं कॉल करनी। इधर से गुजरना आज वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ ने, शहनशाह अकबर ने, वो 1 मिनट से पहले ऑफ एयर करा देता है। अस्सलाम वालेकुम बहन, अल्लाह का नाम है, पुलिस भेज दें यार, नशे ही तन दनाते फिर रहे हैं। दो पुलिस वाले आए हैं, दोनों ने इनकार कर दिया, एक कहता है मैं चौकी एफसी से हूँ, एक कहता है मैं इछरे से हूँ, और अब क्या करेंगे? थाने चले जाए, थाने चले जाए। बड़ी अच्छी आपने बड़ा मशवरा दिया बहन मेरी, थाने चले जाए, कहने आप अंदाजा करें, कहने थाने चले जाए, साढ़े को पुलिस नहीं आनी। ये पुलिस ने नहीं आना, बताएं नहीं आना। अब बताएं इसको कौन सा थाना लगता है, मुझे क्या पता। सामनेकम भाई जान, मुस्लिम टाउन से यासर शमून नर्स कर रहा हूँ। 2:12 पे पहली कॉल की थी, 3:25 हो गए हैं,
दो पुलिस वाले आए हैं, एक इछरा की पुलिस आई है, एक पुलिस आई है एफसी की। दोनों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमारा इलाका नहीं है, ये इलाका गैर है, हम नहीं आ जाते। 11:22 ऑफिस, हाँ 11:22 ऑफिस के बाहर खड़े हैं, उसके बाहर खड़े हैं, उसके सामने वाली सड़क के ऊपर नशियों की एक तादाद है। अब शायद वो निकल भी जाए और वो हमारा तमाशा लगा रहे हैं, हमारी गाड़ी को घेर के खड़े हैं ताकि हम उसके पास जाएं और वो हमारे ऊपर अटैक कर दें। मैं बड़ा हैरान हूँ मेरे भाई, हम आपकी मदद कर रहे हैं और हमें रेस्क्यू के सामने वार्डन जहाँ खड़े होते हैं ना चौकी पे, उसके बिल्कुल सामने देखेंगे तो नहर के साथ ही जा रही है ग्रीन बेल्ट, उसमें नशे ही भरे पड़े। क्या कौन सा इलाका है ये कौन सा इलाका है? मैप पे देख के पटवारी भी भेज दें सर, पटवारी भी भेज दें सर, वो देख लेगा इलाका। बड़ी मेहरबान भाई जान, हमारी गाड़ी घेर के खड़े हो गए हैं, अब तो उनको शक भी पड़ गया कि हम ही पुलिस परवाने लगे हैं। भाई पुलिस हमने आपने रवाना कर दी है, रवाना कहाँ काम कहाँ से भाई जान रवाना हुई है? आई नहीं भाई, पहले आपने कॉल किया आपका थाना और था, अब आपको हमने एक ही थाना बताया, गलत बात ना करें, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हमने एक ही मुकाम बताया, थाना और लगा हुआ है, हमने एक ही मुकाम बताया भाई आपको। यार आप मेरी बात तुम सुनोगे भाई, मेरे मेरी बात तो सुनो। जी जी मेहरबानी करें भाई, वो जिस भी थाने की पुलिस हो कार्रवाई करे, कार्रवाई कर रहे हैं, भिजवा दिए सब इंस्पेक्टर फरियाद साहब, कितना वेट करें थोड़ा सा। सब इंस्पेक्टर साहब का क्या नाम है? फरियाद। फरियाद साहब तो अभी आए थे, अभी तो अभी आ गए, तो वो निकले हैं। हां तो आप फिर बताएं पुलिस आ गई और वो कह नहीं नहीं वो तो कहते मेरे इलाके ही नहीं है। तो अब ये यार हमें नहीं आईडिया, आप ऐसे करें 1787 पे शिकायत कर, वो तो कर दी है, वो कर दी है, वो कर दी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है बस फिर, मेरा काम तो भाई पुलिस भिजवाना था, मैंने तो भिजवा दी, बताया और मैं क्या करूं। देख लें कि हम नाकाम लौट रहे हैं और हमारे कैमरामैन को ये एक ऐसी बीमारी है कि वो कहता है दोबारा कहा करें, जबकि वो लगा होता है हर जगह के ऊपर। आप ये देख सकते हैं कि ये दरिंदे, ये माशरे के जालिम और सफाक लोग, जिनको ना तो कोई जीने का हक है और ना ही ये किसी को जीने देते हैं। हमने और कुछ नहीं तो कुछ नहीं 150 कॉल्स 15 के ऊपर किए, हमने दो पुलिस अफसरों को भी बुलवाया, वो कहते ये हमारा इलाका ही नहीं है। यहाँ से वज़ीर आज़म साहब ने गुजरना है, सब वो देखे पोर्टर आराम से वो राम दिख रहा है, वो तकसीम हो रहा है, वो देख रहे हैं आप दिखा रहे हैं, वो पोर्टर वहाँ से तकसीम हो रहा है, वो देखें कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। इससे पहले कि ये हमें कत्ल वगारत करवा दे हमारे साथ, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि यहाँ से निकलने की कोशिश करें, हम कोशिश करेंगे इनके पास से गुजरें। ये देखें उसने एक मिनट से पहले निकाली है क्लास, देखा नाजरीन आपने नाजरीन देखा है, ये दरिंदा सिर्फ लोग हैं, ये दरिंदे हैं, दरिंदे। और फिर मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं इसमें कि पुलिस इसलिए वज़न नहीं उठाती कि वो खुद डरती है, खुद डरपोक है वो, उसने वज़न क्या घंटा उठाना है। तो खैर कोई ऐसी बात नहीं, हम इनका प्रॉपर बंदोबस्त करेंगे और आज ही करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम यहाँ से जाएंगे थाना मुस्लिम टाउन और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यार हमारी मदद करें और चलें हमारे साथ और इन खबीसों को पकड़ें।